डॉक्टर प्रेम अत्रेजा बोल रहा हूँ। मेरी शिक्षा भारत से है, अमेरिका से है, डेनमार्क से है। फूड साइंटिस्ट हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट हूँ और अपने 45 साल के अनुभव के आधार पर आज मैं कुछ बातें आपसे साझा करने वाला हूँ जो आपके लिए स्वास्थ्य से संबंधित होंगी, आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगी। तो आजकल के टाइम में हमें अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी चाहिए। इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे अच्छा जो नियम है, प्रकृति के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। हमारे हरेक कोशिका के अंदर प्रकृति ने ऐसी चीज़ें दी हैं कि हरेक कोशिका में एक डॉक्टर बैठा है और वो डॉक्टर हमें ठीक करता है, बशर्ते कि हम उस डॉक्टर को बीमार ना होने दें। तो ये कोशिकाएं जो हैं, बीमारी की पैदा कहाँ से होती हैं? हमारे रहन सहन से। तो ये जो बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, एस्थमा है, दमा है, दर्द हैं, अर्थराइटिस हैं, इनका यदि हमें कारण पता चल जाए तो हम शायद अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। जितनी कोशिकाएं हमारे शरीर में स्वस्थ होंगी उतने हम स्वस्थ रहेंगे। देखिए, जब हम शुरू से पैदा होते हैं तो बीमार तो नहीं होते ना, हम सभी के सभी व्यक्ति ठीक होते हैं। धीरे धीरे हमारा रहन सहन बिगड़ने लगता है, हम ना जाने ये सारी ऐसी पी पी कर अपने अपने स्वास्थ्य को हम खराब कर लेते हैं। आज इस चीज़ का युग है, जब भी चाहेंगे बाहर खाना चाहेंगे। पहले ज़माने में देखिए कैसा होता था, लोगों का रहन सहन ठीक था। अब हमने अपने एसी कमरे को छोड़ना नहीं, एसी कमरे से बाहर निकले, कार में बैठे तब एसी, सुबह जल्दी उठना नहीं है। तो इससे क्या होगा कि हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, हमारी कोशिकाएं खराब होने लगती हैं। तो क्या करिए, सुबह जल्दी उठिए, अपने बिस्तर को छोड़िए, नहाइए धोइए, साफ कीजिए अपने आप को और थोड़ी देर के लिए ध्यान कीजिए। जैसे ही हम ध्यान करेंगे, आध्यात्मिकता की तरफ जाएंगे, तो हमारी कोशिकाएं स्वस्थ होंगी। पता है क्यों? क्योंकि हमारा मानसिक स्तर जो है वो संतुलित रहेगा और इस तरह से हमारी कोशिका के अंदर जो डॉक्टर हैं वो शांत रहेंगे। और यदि हमारे अंदर किसी तरह की बीमारी आ ही गई है रहन सहन के कारण, तो क्या करें? मैंने बताया कि सुबह जल्दी उठिए, थोड़ा शांत होने के लिए थोड़ा ध्यान कीजिए, जिसको भी आप मानते हैं। नहीं मानते तो वैसे शांत होकर बैठ जाइए, फिर बाहर निकलिए, ताज़ी हवा लीजिए। क्या करें? प्राणायाम करो। प्राणायाम करते हुए क्या होगा, ये जितनी भी प्रक्रियाएं, अनुलोम विलोम है और तरह की ऐसे है, जो भी जितना नहीं कुछ कर सकते तो लंबे लंबे सांस लीजिए, लेकिन शुद्ध वायु में लीजिए। जैसे ही आप सांस लेंगे तो आपकी प्रक्रिया ठीक होने लगेगी और ऑक्सीजनेशन ब्लड, वो हीमोग्लोबिन को बढ़ाएगा। उसके पश्चात आप क्या करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करके देखें। एक्सरसाइज करेंगे फिर आपके जो स्वास्थ्यवर्धक कोशिकाएं हैं वो बढ़ेंगी और इम्यूनिटी अपने आप में ठीक रहेगी। खाना जो है हल्का लें, बार बार मत खाएं। हमें भूख नहीं लगती तब भी खाते हैं, तो भूख लगे तो कितना खाना चाहिए, कम से कम हर बार 10% कम। फिर रात को हल्का भोजन लेकर और उसके बाद भोजन लेने के पश्चात, ये लगभग मैं समय बताऊंगा कि किस वक़्त खाना चाहिए, 8 बजे से पहले खा लो। फिर खाना खाने के बाद टहलना चाहिए, तेज़ी से सैर नहीं करनी चाहिए, सुबह खाली पेट तेज़ी से आप सैर कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से इम्यूनिटी बढ़ेगी। फिर खाना कैसा हो, पौष्टिक हो। आप पके हुए खाने को ज़्यादा देर तक फ्रिज में मत रखा करें। वैसे तो 3-4 घंटे में जो खाना है बनाने के बाद खा लेना चाहिए, और जैसे ही आप उसको फ्रिज में रख के बहुत घंटों के पश्चात या अगले दिन खाएंगे तो उसमें से बहुत सारे पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। और ऐसा खाना खाने से हमारे अंदर तो बीमारियां होंगी, तो इसको आप अवॉइड करेंगे। इससे भी आपकी इम्यूनिटी जो है वो जो
इम्यूनिटी हम इंग्लिश में शब्द यूज़ करते हैं, और इसकी जो हिंदी है हमारे अंदर रोग से लड़ने की जो प्रतिरक्षा की काबिलियत है वो कम होने लगती है। तो इसे बढ़ाने के लिए मैंने बताया आप सुबह सुबह शुद्ध वायु का सेवन करें, अच्छे पौष्टिक आहार खाएं, अपने एसी वाले कमरों को छोड़ें, कार में उतनी देर मत बैठें एसी वाली में। तो जितना आप बाहर निकलेंगे, आज एक चीज़ और देखने में आती है कि विटामिन डी के सप्लीमेंट्स हम बहुत ले रहे हैं। भारत जैसा देश हो और वहाँ विटामिन डी लेना पड़े, जहाँ हर समय सूर्य ही सूर्य है। आप एक घंटा सूर्य का प्रकाश लें, सुबह लें, शाम को लें, तो विटामिन डी की तो ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए। हम अपने आप बीमारियों को अपने अंदर समेटने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। और ये मेरा सुझाव है कि पौष्टिक आहार में जो ताज़े फल हों, ताज़ी सब्जियां हों, जितनी ऐसा खा सकें वो, और जो आटा है उसमें आप उसका जो छान है वो मत निकालिए, ऐसे ही खाना चाहिए। उसके अंदर फाइबर है, और फाइबर जो है हमें फिर अच्छा रखता है, उससे आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की जो बीमारियां हैं वो नहीं होंगी। तो इस प्रकार मेरा आपको सुझाव है कि ऐसे इस तरह की दिनचर्या को अपनाते हुए आपकी इम्यूनिटी ठीक रहेगी और आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, इसके कंटेंट्स पसंद आए हों, तो इसको दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिए।